अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं पोको X3 को Redmi Note 9S के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ। देखेंगे मैं कौन सी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाती है, किसके अंदर आपको अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं और कौन सी डिवाइस की तरफ आपको जाना चाहिए। प्राइस का डिफरेंस आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है दोनों डिवाइसेज के अंदर। तो कंपेरिजन शुरू कर से पहले चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के रिलीज डेट के हवाले से। अप्रैल 2020 के अंदर हमें Redmi Note 9S डिवाइस देखने को मिल गई थी, जबकि अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर Poco X3 को लॉन्च किया गया था। सबसे पहले बॉडी डायमेंशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 165 mm की आपको हाइट Poco X3 के अंदर, जबकि 165 mm की ही हाइट आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाती है। 76 mm की आपको विड्थ Poco X3 के अंदर, जबकि 76 mm की ही आपको विड्थ Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिलेगी। डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा थिकनेस के अंदर। 9.4 मिलीमीटर की थिकनेस आपको Poco X3 के अंदर, जबकि 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिलेगी। वेट के हवाले से कंपेयर करें तो 215 ग्राम का वेट आपको Poco X3 का, जबकि 209 ग्राम का वेट आपको Redmi Note 9S का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बिल्ड के हवाले से कंपेयर किया जाए तो ग्लास फ्रंट, एलुमिनियम फ्रेम और प्लास्टिक बैग आपको Poco X3 के अंदर, जबकि ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम आपको Redmi Note 9S प्रोवाइड कर रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। ड्यूल सिम स्टैंड भी आपको दोनों डिवाइसेस देखने को मिलती है, जबकि IP53 की स्प्लैश प्रूफ रेटिंग Poco X3 के अंदर, जबकि वाटर रिपेलेंट कोटिंग आपको Redmi Note 9S प्रोवाइड कर देता है। दोनों के अंदर आपको अच्छी वाटर प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के हवाले से अगर दोनों डिवाइसेस को यहाँ पे कंपेयर कर लिया जाए तो आपको 6.67 इंचेस का IPS LCD पैनल दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट Poco X3 प्रोवाइड कर रहा है, जबकि HDR10 की सहूलत आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिलती है, जबकि 450Hz की टिपिकल ब्राइटनेस भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। 1080p की रेजोल्यूशन आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम ही देखने को मिलेगी। 20:9 के एस्पेक्ट रेशो भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर बैक साइड पे देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से दोनों डिवाइसेस को कंपेयर किया जाए तो एंड्रॉइड 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, जबकि MIUI 12 भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल रहा है। चिपसेट को कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 732G 8nm फैब्रिकेटेड Poco X3 प्रोवाइड कर रहा है, जबकि स्नैपड्रैगन 720G 8nm बेस्ड आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाएगी। 2.3 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिलेगा, जबकि एड्रीनो 618 का GPU भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम प्रोवाइड किया गया है। रैम और रोम के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको 6GB 128GB वाले वेरिएंट दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाते हैं, जबकि शेयर्ड सिम स्लॉट आपको Poco X3 के अंदर और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट आपको Redmi Note 9S प्रोवाइड कर देता है। UFS 2.1 की सहूलत आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिलती है। कैमरा डिपार्टमेंट के हवाले से अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो 64 MP का वाइड मेन कैमरा आपको Poco X3 के अंदर, जबकि 48 MP का वाइड मेन कैमरा Redmi Note 9S प्रोवाइड कर देता है। 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको Poco X3 के अंदर, जबकि 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस Redmi Note 9S के अंदर। 2 MP का मेक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसर Poco X3 के अंदर, जबकि 5 MP का मेक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसर Redmi Note 9S प्रोवाइड कर देता है। ड्यूअल लेड फ्लैश आपको Poco X3 के अंदर, जबकि सिंगल लेड फ्लैश आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाएगी। HDR पैनोरमा के फीचर्स मिल जाएंगे। 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों डिवाइसेस के कैमरा के साथ रिकॉर्ड कर सकेंगे, जबकि 1080p की वीडियो 30:120 फ्रेम पर सेकंड पे Poco X3 के साथ, जबकि 1080p की वीडियो 30:60 और 120 फ्रेम पर सेकंड पे Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाएगी। 720p की वीडियो 960 फ्रेम पर सेकंड पे आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम ही देखने को मिल जाएगी। और जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए तो 20 MP का एफ अपर्चर 2.2 के साथ वाइड सेंटर्ड पंच होल कैमरा आपको Poco X3 के अंदर, जबकि 16 MP का एफ अपर्चर 2.5 के साथ वाइड सेल्फी कैमरा सेंटर्ड पंच होल कैमरा आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाता है। HDR पैनोरमा के फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप Poco X3 के साथ, जबकि 1080p की वीडियो 30
120 फ्रेम पर सेकंड पे आप Redmi Note 9S के फ्रंट कैमरा के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाउड स्पीकर के हवाले से कंपेयर करें तो स्टीरियो स्पीकर्स आपको Poco X3 प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Redmi Note 9S के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देखने को मिल जाते। 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी निकल के आ जाती है। बैटरी के हवाले से कंपेयर करें तो 5160mAh की बैटरी आपको Poco X3 प्रोवाइड कर देता है, जिसके साथ 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जबकि Redmi Note 9S के अंदर आपको 5020mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। मजीद यहाँ पे आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, FM रेडियो, USB टाइप सी की केबल और इंफ्रारेड दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिलता है, जबकि NFC आपको Poco X3 प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Redmi Note 9S के अंदर आपको इंफ्रारेड की सहूलत नहीं प्रोवाइड की गई है। कलर्स की बात कर ली जाए तो आपको कोबाल्ट ब्लू और शेडो ग्रे दो कलर Poco X3 के अंदर, जबकि अरूरा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और इंटरस्टेलर ग्रे आपको तीन कलर Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर दोनों डिवाइसेस को कंपेयर किया जाए तो आपको 283,000 प्लस की स्कोरिंग अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स के ऊपर मिल जाती है Poco X3 की, जबकि 254,000 प्लस की स्कोरिंग आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस वाइज आपको Poco X3 काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। Geekbench के ऊपर भी आपको 1700 प्लस की स्कोरिंग Poco X3 के अंदर, जबकि 1700 प्लस की ही स्कोरिंग आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाती है। JFX बेंच के ऊपर आपको 16fps की ऑन स्क्रीन स्पीड Poco X3 की, जबकि 15fps की ऑन स्क्रीन स्पीड आपको Redmi Note 9S के अंदर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर Poco X3 को Redmi Note 9S के साथ कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स दोनों डिवाइसेस के अंदर निकल के आ जाते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छी दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलती है और बैक साइड पे भी आपको एक न्यू कैमरा डिज़ाइन दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर प्राइस रेंज के हवाले से बात कर लिया तो 40,000 की प्राइस रिटेल के अंदर Poco X3 देखने को मिल जाता है, जबकि 37,36 की प्राइस रिटेल के ऊपर आपको Redmi Note 9S देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे Poco X3 को ले लिया जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। गेमिंग को ले लिया जाए, मल्टीटास्किंग को ले लिया जाए, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, HDR10 की सहूलत दी गई है। आपको इन दोनों डिवाइसेस के अंदर सिर्फ चिपसेट का फर्क देखने को मिलेगा या फिर थोड़ा सा कैमरा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आपको Poco X3 के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट कम है तो आप Redmi Note 9S को भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों डिवाइसेस काफ़ी अच्छी निकल के आ जाती हैं। तो ये था कंपैरिजन Poco X3 का Redmi Note 9S के साथ। आप कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई अनबॉक्सिंग, नए टेक रिव्यूज़, नए कंपैरिजन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शहज़ाद टेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।